तो बात करते हैं रुपी और वीज़ा और मास्टर कार्ड में क्या डिफरेंसेस होते हैं और ये क्या होता क्या है। जैसे आपने डेबिट कार्ड पे देखा होगा कि किसी पे रुपी लिखा होगा, किसी पे वीज़ा लिखा होगा, किसी पे मास्टर कार्ड लिखा होगा। तो कोई भी इन सबों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। रुपी जो है वो इंडियन कंपनी है और इंडियन कार्ड पे, जैसे आप किसी पे रुपी देखे होंगे तो उसमें इंडियन, और वीज़ा और मास्टर कार्ड जो है वो इंटरनेशनल है। तो ये होता है क्या ये जान लेते हैं। तो रुपी, वीज़ा और डेबिट कार्ड यानी मास्टर कार्ड जो होता है, ये एक फंड ट्रांजैक्शन करने का माध्यम है। जैसे आपका जो एटीएम है वो रुपी, वीज़ा या मास्टर कार्ड तीनों कंपनी में से किसी का हो सकता है। ये क्या करती है कि ये एटीएम के मैनेजमेंट को संभालती है। जितना भी एटीएम में ट्रांजेक्शन होता है ये सारे मैनेजमेंट को संभालती है। जैसे अगर आपका एसबीआई का एटीएम है तो आप एचडीएफसी में या किसी और बैंक में जाके निकालते हैं, किसी और एटीएम कार्ड किसी और कंपनी या किसी और बैंक के एटीएम में जाके अगर पैसा निकालते हैं तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है, कट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा ये सारे कंपनी जो है नेटवर्क संभालती हैं। ये सारे रुपी, वीज़ा और मास्टर कार्ड है, यही जो है एटीएम कार्ड्स की मेन जड़ है। यही कंपनीज हैं जो एटीएम कार्ड्स को संभालती हैं। इन्हीं के थ्रू एटीएम कार्ड दिया जाता है, मतलब दिया तो बैंक के द्वारा जाता है लेकिन मैनेजमेंट जो है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। सर्विस प्रोवाइड या जो भी काम है, ट्रांजेक्शन का लेन देन या कौन सा अकाउंट का बैंक है, किधर का बैंक है, कौन से में निकाला जा रहा है और किधर कितना निकाला जा रहा है, ये सारा रिकॉर्ड यही रखते हैं और सारा ट्रांजेक्शन यही करते हैं, रुपी, वीज़ा या मास्टर कार्ड। अगर आप अगली बार से अगर आप देखेंगे कि आपके कार्ड पर रुपी लिखा होगा तो रुपी एक इंडियन कंपनी है जो इंडिया में सिर्फ मैनेज करती है फंड को, एटीएम ट्रांजैक्शन को। एटीएम कार्ड पे अगर आपका रुपी लिखा होगा तो वो समझ जाएगा कि इंडियन कंपनी है। अगर आपके कार्ड पर वीज़ा या मास्टर कार्ड लिखा होगा तो आप इसे इंटरनेशनल कंपनी समझिए, इंटरनेशनल कंपनी है ये, और आप इस कार्ड का इंटरनेशनली भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रुपी कार्ड को आप इंटरनेशनली यूज़ नहीं कर सकते हैं बल्कि नेशनली ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। कुछ कुछ जो प्लेटिनियम कार्ड रुपी कार्ड निकाला है वो जो है इंटरनेशनल यूज़ करने के लिए है, बाकी अभी सब नेशनली है। तो आप समझ गए होंगे कि रुपी, वीज़ा और मास्टर कार्ड में क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस कोई नहीं है, सब कंपनी, ये तीनों कंपनी जो है एक ही काम करती है, मैनेजमेंट का काम करती है, एटीएम कार्ड्स और एटीएम के फंड को मैनेजमेंट करके और बैंक में कटवाने का काम करती है कि हाँ भाई इस कार्ड का यूज़ हुआ है एचडीएफसी बैंक में या एसबीआई का कार्ड है, इतना पैसा विड्रॉ हुआ है। तो सारा मैनेजमेंट यही करती है, यही तीनों कंपनी पे जो एटीएम का नेटवर्क है वो खड़ा है। इंडिया में जो है रुपी है, बाकी पूरे वर्ल्ड में रुपी इंडिया में जो है रुपी है बाकी पूरे वर्ल्ड में वीज़ा और मास्टर कार्ड है।